ये आदमी एक हीरो की तरह है, इसकी एक झलक देखने को इसे प्रैक्टिस के लिए मैदान पर आता देखने के लिए आधा स्टेडियम भर जाता है। वो फैंस इन्हें 75 साल की उम्र तक भी रिटायर नहीं होने देंगे। ये अल्फाज इंडिया के मारूफ कमेंटेटर हर्षा बोगले ने इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और आईपीएल के फ्रेंचाइज चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए अदा किए थे। क्या चेन्नई के लोग आपको दोबारा यहाँ खेलता देखेंगे? नवा साल धोनी जहाँ जहाँ खेले गए, मद्दाहों का एक सैलाब उनको देखने के लिए पहुँचा और पूरा स्टेडियम पीले या जर्द रंग में नहा गया। भारत क्रिकेट मुबसरीन ने उनसे यही सवाल किया कि क्या उनका आखिरी आईपीएल है कि लोग उन्हें इस कदर तादाद में देखने आते हैं। और गुज़िश्ता रात हर्षा भोगले ने भी धोनी से यही सवाल किया तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। हर्ष भोगले ने पूछा कि क्या चेन्नई के नाज़रीन आपको दोबारा यहाँ देखेंगे, तो धोनी ने कहा कि आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं यहाँ दोबारा खेलूंगा या नहीं। तो हर्ष भोगले ने पूछा कि क्या आप यहाँ आकर दोबारा खेलेंगे। फिर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास फैसला करने के लिए 8-9 महीने हैं, तो अभी से इस सर दर्द को क्यों पालूं? मेरे पास फैसला लेने के लिए काफी वक्त है। मैं ये नहीं जानता कि मैं इस टीम के साथ एक खिलाड़ी के तौर पर रहूंगा या किसी और हैसियत, लेकिन इतना मालूम जरूर है कि मैं CSK के साथ जरूर रहूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं 31 जनवरी से घर से बाहर हूं, मैं 2 या 3 माह से प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो देखते हैं कि क्या होगा। इस वक्त मेरे पास फैसला लेने के लिए काफी वक्त है। दोस्तों, इससे कबल डेनी मोरसन ने भी आईपीएल के रवां सीजन 45वें मैच के दौरान टॉस के बाद उनके रिटायरमेंट पर सवाल पूछे थे। दोस्तों, वन मैन वन कैप्टन वन धोनी इंडिया में सोशल मीडिया और बतौर खास ट्विटर पर कम से कम 1 दर्जन हैशटैग में धोनी पर बात हो रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर और बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि चेन्नई सुपर किंग कितनी हैरत अंगेज टीम है। दोस्तों, अपने वसाल से बेहतरीन फायदा उठाना ही बेहतरीन क्यादत है और चेन्नई के पास जो बॉलिंग लाइन अप है उसके साथ सिर्फ धोनी ही उन्हें फाइनल में ले जा सकते थे। यही वजह है कि वो हैं और वो जो करते हैं उसके लिए उन्हें हर जानिब से मोहब्बत मिलती है। दोस्तों, वसरीन का कहना है कि धोनी को जो मोहब्बत और हिमायत हासिल है इसके तहत ये कहा जा सकता है कि ये उनका आखिरी आईपीएल नहीं होगा, लेकिन उनके घुटने में चोट है जिसका जिक्र बार बार किया जाता रहा है और गुज़िश्ता रात धोनी ने भी इसका जिक्र किया। दोस्तों, धोनी की कप्तानी की तारीफ के लिए उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान इंडिया की टीम को नई बुलंदियों से हमकिनार किया। गुज़िश्ता हफ्ते एक मैच के दौरान इंडिया के रिजर्व टेस्ट बैट्समैन सुनील गावस्कर ने अपनी शर्ट पर धोनी का ऑटोग्राफ लिया। दोस्तों, उनसे एक इंटरव्यू में जब इस बारे में पूछा गया तो वो जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि इस खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को क्या कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा क्रिकेट के दो लम्हात हमेशा याद रहेंगे, एक वो जब कपिल ने सन 1983 में वर्ल्ड कप उठाया और एक जब धोनी वर्ल्ड कप जिताने के लिए छक्का मारकर अपना बल्ला घुमाते हैं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल की तारीख में 12 बार प्लेऑफ में पहुंची है जबकि रवां साल 10वीं बार वो फाइनल में पहुंची है और ये दोनों अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसी के साथ अब आपको बता दे चले कि टाटा आईपीएल 2023 का फाइनल जो कि 28 मई को खेला जाना था बारिश की वजह से पीछे किया गया है, जो कि अब 29 मई को खेला जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।